Okay, Google, what is the meaning of Alcazar? Here's the definition of Alcazar: a Spanish palace or fortress of Moorish origin. So Hyundai ने अपने 6-seater, 7-seater SUV जो Creta पे based है, has named it after a Spanish fort or a palace, you say. So ये जानने वाली बात है कि Hyundai ने ऐसे क्यों किया. To know that, we need to drive it. Welcome to Wheel BHP. I am Santosh and you are watching the Hyundai Alcazar. अगर हम डिजाइन की बात करें तो Hyundai Alcazar इज प्रीटी मच सिमिलर टू इट्स सिबलिंग Creta. अब क्योंकि ये उसी गाड़ी का एक 7-सीटर वर्जन है तो आपको डिजाइन में भी सिमिलैरिटीज दिखेगा. फॉर इंस्टेंस, इसका जो ग्रिल है Creta से काफी इंप्रोवाइज्ड है एंड उससे बड़ा है. यहाँ पे आपको डार्क क्रोम एलिमेंट मिलता है ग्रिल में, जो एक कैस्केडिंग ग्रिल है, काफी अच्छा लग रहा है. एंड साथ में इसका जो डार्क क्रोम एलिमेंट है, दिस रन्स अक्रॉस द हेडलैम्प. अलोंग विद दैट, इसमें आपको ट्राई एलईडी बीम मिलता है, विच इज ऑल एलईडी सेटअप. इसके डीआरएल एलईडी, हेडलैम्प एलईडी है, इनफैक्ट द फोग लैंप्स आर ऑल्सो एलईडी. बट द प्रॉब्लम इज द ब्लिंकर, जो टर्न इंडिकेटर है, वो आपको यहाँ पे हैलोजन मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस फ्रंट इज वेरी इंपोजिंग अलॉन्ग विद दिस क्रीज लाइन्स. Alcazar का जो लेंथ है वो 4500 mm का है, विच इज 200 मोर देन द Creta. अलॉन्ग विद दैट, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इज 200 mm, विच इज 10 mm मोर देन द Creta. साथ में इसमें विंग मिरर से आपको ब्लिंकर्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द 360 डिग्री कैमरा सेटअप. सो दिस कार गेट 360 डिग्री कैमरा सेटअप, विच इज सेगमेंट फर्स्ट अगेन आफ्टर MG Hector. साथ में ये जो व्हील्स मिलते हैं, ये आपको मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, विच आर R18. साथ में इसका जो टायर साइज है, दैट इज 215/55. सो ओवरऑल जो इसका प्रोपोर्शन है, ये साइड से बहुत ही बढ़िया लगता है. अटेंशन टू डिटेल, यहाँ पे आपको डार्क क्रोम एलिमेंट मिलता है हैंडल बार्स में. यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, ऑल दो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड में मिलता है. अलॉन्ग विद दैट, ये जो ए बी एंड सी पिलर है, ये सारा ब्लैक्ड आउट है एंड डे लाइट एरिया काफ़ी अच्छा है कैबिन में, जो हम कैबिन में एक्सपीरियंस करेंगे जब हम अंदर जाएंगे. साथ में इसमें आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, ऑल दो दीज आर नॉट फंक्शनल. अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है. यहाँ पे आपको सेटिन क्रोम का आपको फॉक्स स्किड प्लेट मिलता है. साथ में इसका जो एग्जॉस्ट टिप है, वो आपको क्रोम फिनिश में मिलता है. एंड दीज आर ट्विन पॉड्स, दीज आर नॉट फेक्स, दे आर एक्चुअली फंक्शनल. साथ में आपको यहाँ पे सिग्नेचर की बैजिंग मिलती है, सिंस द वेरिएंट इज सिग्नेचर. एंड द टेल लैम्प आपको दोनों ऑल एलईडी सेटअप मिलता है. एंड यहाँ पे Alcazar की जो बैजिंग है, इसके पीछे आपको डार्क क्रोम एलिमेंट मिलता है, विच हाईलाइट्स दिस Alcazar विच इज रिटन इन क्रोम. साथ ही ये अगर लुक आप क्लोजली देखें तो आपको जरूर फोर्ड एंडेवर याद आएगा. अब बात करते हैं इसके बूट की. बूट आपको इलेक्ट्रिक नहीं मिलता टेलगेट, बट यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस है 180 लीटर्स मिलता है, विच इज मोर देन इवन सफारी एंड MG Hector प्लस. ये सीट्स आपको फोल्ड करने के बाद आपका बूट स्पेस और ज्यादा हो जाता है. Alcazar में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलता है, 2 लीटर पेट्रोल इंजन जो 159 पीएस एंड 191 Nm ऑफ पीक टॉर्क जनरेट करता है. एंड ये इंजन हमने टूसॉन एंड इलेंट्रा में भी एक्सपीरियंस किया है. बट Hyundai सेज दिस 2 लीटर पेट्रोल इंजन इज द थर्ड जनरेशन इंजन विच इज मोर रिफाइंड एंड फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा है. साथ में आपको एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 115 पीएस एंड 250 Nm ऑफ पीक टॉर्क जनरेट करता है. इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, आपको इसमें TPMS, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESP, 6 एयरबैग्स, आइसोफिक माउंट्स एंड बोथ फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलता है. इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है,
विच इज टैन एंड ब्लैक, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जरूर प्रीमियम लगेगा। साथ में अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये स्टीयरिंग व्हील आपको एग्जैक्टली वही यूनिट मिलता है जो आपको क्रेटा में देखने को मिलता है। साथ में इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल, एंड इसमें आप अपना इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड साथ ही ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये फुल्ली डिजिटल है। इसमें आपको मल्टीपल थीम्स मिलते हैं, जो चार थीम है उसके बारे में बाद में आएंगे जब हम इंफोटेनमेंट डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये भी 10.24 इंच का है एंड दोनों का साइज सेम है। एंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि आपको जो लेआउट मिलता है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है एंड लुक्स प्रीमियम। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको जो IRVM है ये ऑटो डीमिंग मिलता है। साथ में ये 10.24 इंच का स्क्रीन है जिसमें आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी ऐप मिलती है, साथ में एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। एंड यहाँ पे आपको ऑटो AC मिलता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे आपको फास्ट USB चार्जिंग जिसे हम कहते हैं वो मिलता है एंड वायरलेस चार्जिंग। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे ड्राइव एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। सिंस दिस इज़ द कार वी आर ड्राइविंग इज अ ऑटोमेटिक कार विच इज 6 speed, उस पर हम बाद में आएंगे। साथ में इसमें आपको पार्किंग जो है वो इलेक्ट्रिक पार्किंग मिलता है विथ ऑटो होल्ड, वेंटिलेटेड सीट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी धूप में हमें पता चल रहा है कि इन वेंटिलेटेड सीट्स का वैल्यू क्या है। अलॉन्ग विद दैट आपको दो कप होल्डर्स मिलते हैं एंड इसका जो आर्मरेस्ट है यहाँ पे आप छोटा बहुत स्पेस मिलता है। साथ में ये एक एयर प्यूरीफायर भी है विच वी हैव ऑल्सो सीन इन क्रेटा। साथ में इसमें आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है वो भी अक्रॉस ऑल ऑफ द 3 variants, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलता है एंड ये इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है ये भी आपको वही डिजिटल वाला सब में मिलता है। ऑल्सो इसमें आपको 64-color एम्बियंट लाइटिंग मिलता है जो क्रेटा में हमने देखा था सिर्फ एक मिलता है। सो प्रीमियमनेस एडेड। ऑल्सो आपको 8-speaker बोस म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया है सेल्टॉस में, हमने एक्सपीरियंस किया क्रेटा में एंड नाउ द सेम म्यूजिक सिस्टम इज बीइंग प्रोवाइडेड इन अल्काज़ार एज वेल। अल्काज़ार में आपको पावर ड्राइवर सीट मिलते हैं जो 8-way एडजस्टेबल है, बट सैडली को पैसेंजर सीट है उसमें आपको कोई एडजस्टेड नहीं मिलता, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट नहीं मिलता। बट एक चीज़ जो हमें बहुत अच्छा लगा वो है इसके विंग मिरर्स। आपको ये थोड़े से डिफरेंट लगेंगे क्रेटा से एंड इसका जो व्यू है, जो कैप्चर है पीछे का जो कैप्चर है वो बहुत ज़्यादा है एंड आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा मेजरली दिखता नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में आपको 360° कैमरा भी मिलता है। उसके अलावा ये मिरर्स काफ़ी हैंडी है। अब अल्काज़ार में रियर सीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंस दिस इज़ अ 7-seater एंड 6-seater कार। जो हम कार आज ड्राइव कर रहे हैं दिस इज 6-seater, तो इसमें आपको दो कैप्टन सीट्स मिलते हैं एंड आपको थर्ड रो मिलता है एंड यहाँ पे आपको सेकेंड रो जो है इसका कैबिन एक्सपीरियंस इतना वास्ट है कि आपको इस सेगमेंट में बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली अल्काज़ार में मिलेगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है जहाँ पे आपको डीप स्पेस है, साथ ही रियर पैसेंजर्स के लिए एक आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, साथ में आपको यहाँ पे फास्ट USB पोर्ट भी मिलता है जो यहाँ पे है एंड रियर AC वेंट्स अलॉन्ग विद दिस ट्रे इन, और यहाँ पे आप अपने टैबलेट या फिर कोई मोबाइल या डिवाइस आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ में आपको एक कप होल्डर भी मिलता है एंड ये सारा आपको अल्काज़ार में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है रियर सीट के लिए। साथ में जैसे हमने क्रेटा में देखा था या फिर सेल्टॉस में भी देखा था आपको रियर ब्लाइंड्स मिलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे भी है। आपको बस इतना करना है। अब अगर हम इस रियर डोर की बात करें तो काफी वाइड है ताकि आपको इनग्रेस और आउटग्रेस इजी हो। अब यहां पे अगर आपको थर्ड रो एक्सेस करना है आपको सेकेंड रो का ये लीवर सीट के पास जो है इसको बस ऐसे फोल्ड करके आगे लेना है एंड ये पूरा आगे फोल्ड होके चला जाता है विच इज़ गुड। अब अगर मेरे को अंदर जाना हो तो यहाँ पे मेरे को एक ग्रैब हैंडल मिलता है, साथ में ये फुटबोर्ड मिलता है, ये मैंने ऐसे पकड़ा और मैं बिना हेड या शोल्डर को रब करते हुए अंदर आया विच इज़ रियली नाइस। एंड ये हमने किसी भी 7-seater में इनफैक्ट इनोवा में हमने देखा है, वहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी मिलता है, बट एक्सेप्ट फॉर दैट आपको किसी भी 7-seater SUV में इतना स्पेस नहीं मिलता। अब मैं इस सीट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया था, अब इसे मैं टंबल अप कर रहा हूँ।
अब मेरे यहाँ पे नी स्पेस ठीक ठाक है, ये सीट ऑल दो पूरी पीछे नहीं आई है, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे करता हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है और मेरे नीज जो है वो रब हो रहे हैं इस सीट के बैक पे। बट स्पेस लॉन्ग रन के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट हाँ शॉर्ट इंटरसिटी के लिए आप इस पर कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको एक कप होल्डर मिलता है एंड अ फ़ोन होल्डर, अ डेडिकेटेड USB चार्जर जो आपको दोनों सीट्स में मिलते हैं रियर में, एंड यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलता है। ये प्रॉपर AC वेंट्स है, ये कोई ब्लोअर नहीं है। यहाँ पे आपको एयर कूलिंग के लिए कॉइल अलग से इंसर्ट किया हुआ है जो कूलिंग को पीछे अलग से इफेक्टिवली कूल करता है। प्लेज मूव बेटर, ऑल दो अलकाज़ार में आपको कोई इशू नहीं है, बट क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड ट्यून्ड है तो आपको वो बॉडी रोल थोड़ा सा एविडेंट होता है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि आपको Hyundai अलकाज़ार लेनी चाहिए या नहीं। वी से यस, क्योंकि इसमें आपको प्रीमियमनेस के साथ साथ बहुत सारे कन्वीनियंस फीचर्स भी मिलते हैं, साथ में आपको सेफ्टी एस्पेक्ट भी इसमें मिलता है। जो हमने देखा है टाटा हैरियर या सफारी में, हमने देखा कि उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट बहुत अच्छे से कवर्ड है। MG हेक्टर ऑन द अदर हैंड आपको उसमें ज़्यादा फीचर लोडेड पैकेज मिलता है, बट जो कॉम्बिनेशन है दोनों का वो आपको सिर्फ Hyundai अलकाज़ार में मिलता है, एंड वी थिंक ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर इसके वेरिएंट की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट हम कहते हैं वो 16 लाख से स्टार्ट होता है, बट टू बी वेरी प्रसाइज उसका जो बेस वेरिएंट भी है वो भी फीचर लोडेड आता है। उसमें आपको TPMS, उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट, सनरूफ, साथ में आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स, आपको सब कुछ उसमें फीचर लोडेड मिलता है, एंड इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो ऑलरेडी फुल्ली लोडेड है। सो इन दैट सेंस दिस पैकेज इज कंप्लीट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मॉडर्न, सेफ एंड वेरी प्रीमियम कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्हील BHP, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि ऐसे वीडियोज हम आप तक और लेकर आएँ।